आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। हरिहर तीर्थ धाम में बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। संजय सत्येन पाठक पर बरस रही है बालाजी सरकार की असीम कृपा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विजरा होकर हरिहर तीर्थ धाम का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, स्वामी श्री अवधेशानंद जी, स्वामी राघवेश दास मेदंती जी की उपस्थित में किया गया। बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हरिहर तीर्थ धाम पहुँचे और प्रधान सेवक संजय सत्येन पाठक के संकल्प व परिकल्पना की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि बालाजी सरकार की कृपा विधायक संजय पाठक पर बरस रही है, जिसके कारण उन्हें यह पुनीत कार्य करने की प्रेरणा मिली है। अपने गुरु स्वामी रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य के दर्शन बागेश्वर धाम सरकार ने किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत उन्होंने मंचीय कार्यक्रम में क्षेत्र से आए जन समुदाय को संबोधित भी किया। रिपोर्ट संतोष प्रसाद तिवारी, आरपीकेपी इंडिया न्यूज, कैमूर। नजर आती है।
क्या कहना। तो श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन को सिपाही जी करते थे लोग। एक दिन पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय का थाने में आना हुआ और उस थाने के जो इंचार्ज थे वो मंत्री साहब से बड़ा चिढ़ते थे अंबरी रोज तो सीताराम सीताराम जय हनुमान करते हो, कभी गांव में फंसना तुम्हारी वर्दी उतरवा दे, इसी दिमाग में रहते। एसपी साहब का आना हुआ, उन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है, आज इनकी जो है वर्दी उतरवा देंगे। कहते ये तो बड़ा लापरवाह है, आता ही नहीं है, झूठ मूठ का बाद में दबाव बनाता है कि हमारी हाजिरी रजिस्टर में भरो, नहीं भरे तो ये धमकी देता। ऐसा उसने प्रायोजित षड्यंत्र कर लिया। थाना इंचार्ज मौत है, माया की रजिस्टर लिया, एसपी साहब के सामने सबकी हाजिरी हुई। इधर ये करेरा के बगीचा वाले हनुमान जी के सामने बैठे बैठे की कोई हनुमान को देता या बाबर की कथा नहीं, अभी की सत्य घटना आपको सुना है। तो जो परमात्मा के सहारे रहता है पर चिंता उसकी नहीं, पर चिंता हमारे परमात्मा की हो जाती है। आज भी करेरा में बगीचा में उनकी समाधि बनी है, हम अभी 3 दिन पहले ही दर्शन करके आए, हमारी आंखें भर आई वहां जाकर के। धन्य है वीर बजरंग बली, कलयुग में भी वो ऐसी कृपा करते, उन्हीं के साक्षात अवतार, अनेक देवताओं के अवतार, कभी व्यास जी के अवतार, कभी वाल्मीकि जी के अवतार, कभी तुलसीदास जी के अवतार, हमें अपने पूज्य पात्र हम भी बाला जी चाहेंगे। आप सब एकजुट हो जाओ, जाति वाद की बातें छोड़ो, और गुरुदेव भगवान का नारा है चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। और एक बात और, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्व हैं, हम नफरत वाले नहीं है। अब किसी को हमसे नफरत है तो वो उसकी निजी प्रॉब्लम है, अब क्या करें, डिस्कट गोली खाए सो जाए, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप सब मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। फिर कभी समय मिलेगा हम आप सबको परेशान करने आएंगे, अभी हमें जाना है नहीं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। कहाँ जाना है ये बता देते, बेंगलोर पर कहाँ से जाना है ये नहीं बताएंगे। तो आप सब ऐसे मुस्कुराते रहो, फिर आएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो गुरुदेव।